दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आप ऐप से कैसे अर्निंग कर सकते हो, अपना ऐप का बिजनेस कैसे बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूँ जो ऐप बनाते हैं कि आप उनसे अर्निंग करो मत करो, जो दूसरों की ऐप होती है हम उसमें जाते हैं काम करते हैं, आप करो, बेसिकली करो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहां से भी आपको पैसा मिलता है वहां से लपेट लो। जैसे ज्ञान कहीं से भी मिलता है तो उसको लपेट लेते हैं, वैसे ही जहां से भी पैसा मिलता है उसको लपेट लो और उसको अपने बिजनेस में यूज करो। लेकिन आप इन एप्स का यूज करो, इनसे बहुत पैसे कमाओ, रेफर करो, अर्न करो, काम करो, अर्न करो, लेकिन गाइज आप अपने लिए एक अपना बिजनेस पीछे अपने पीछे बिल्ड करना स्टार्ट करो, तभी आपको बहुत ही ज्यादा और काफी अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप ऐप से कैसे अर्निंग कर सकते हो और आप ऐप का बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई, लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला, अच्छे कमेंट्स मिले और लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, इवन इंस्टाग्राम पे आके लोगों ने काफी अच्छी अच्छी बातें बोली, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज फॉर दैट एंड फॉर कमेंट्स एंड फॉर लाइक। एंड प्लीज गाइज शेयर करो वीडियो को ताकि लोगों को ज्यादातर पता चल सके कि कैसे बिजनेस मॉडल काम करता है ऐप का, या बहुत सारी चीजें और आने वाली हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कैसे यहां से आप अर्निंग कर सकते हो, ये सब कुछ आने वाला है। लेकिन अभी हम लोग ऐप का फोकस कर रहे हैं, थोड़ी दिन बाद मैं इंस्टाग्राम का भी बताऊंगा, इंस्टाग्राम को बेसिकली मैंने पीछे भी बताया और लेकिन नेक्स्ट लेवल का भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं, जो तीन चीजें आपको काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे अपने बिजनेस मॉडल को बनाने के लिए, जो एक ऐप का बिजनेस मॉडल है जहां आप गूगल से अर्निंग कर सकते हो। तो इससे बेस्ट अर्निंग फॉर्मूला आई थिंक नहीं होगा, किसी और ने आपको नहीं बताया होगा जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल बेसिकली आपको शेयर कर रहा हूँ जिसको बनाने में लोगों को काफी समय लग जाता है। तो इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, मेरा काम ही यही है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और अब मैं ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें काम करती हैं पीछे बैकग्राउंड में, वो लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जा सके और काफ़ी अच्छा आप अर्निंग करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ग्रो कर सकें। गाइस बेसिकली हम इसलिए चैनल पे हैं, इसलिए ऑनलाइन में हैं, इसलिए ऐप अर्निंग में हैं, क्योंकि हम एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं। यस, हम मैं भी यहाँ इसीलिए हूँ, ठीक है, सबको इसीलिए हैं, बी लॉयल, और यही सही चीज़ है, और आपको पता भी होनी चाहिए कि हाँ हम इसीलिए हैं। तो जब क्लैरिटी रहेगी, जब गोल्स में क्लैरिटी रहेगी, तो हमारा जो एक्शन रहेगा वो काफ़ी फास्ट रहेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप माइंड को बिल्कुल क्लियर करके करो। अगर कोई बोलता है कि हम क्यों ऐप की अर्निंग करते हैं, हम क्यों ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो बी क्लियर यार, क्लियर बोलो, यस आई वॉन्ट टू बी अ रिच, आई वॉन्ट टू बी अ रिच, जो भी बनना चाहता हूँ, मैं रिच बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ में, यस यू कैन डू इट, बट यू नीड टू टेक एक्शन। तो मैंने जो वीडियो बनाई उसको आप पहले जाके देखो, अगर आप पहली बार इसको चैनल को देख रहे हो, सो प्लीज़ जाओ और उस वीडियो को देख लो, फिर आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले कि आपको ऐप के बिजनेस में क्या चीज़ें चाहिए उस ऐप से अर्निंग करने के लिए, दूसरी चीज़ बताऊंगा कि आपका ऐप फेल क्यों होता है, और जो तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा, चार फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा थंबनेल में, कि वो चार ऐप कौन से ऐप होते हैं जिसमें से आपको कौन से ऐप को यूज करके अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। तो ये तीनों चीजें मैं बताऊंगा आपको, तो इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों क्या चाहिए ऐप अर्निंग के लिए, सबसे पहले पब्लिक, और दूसरा इंगेजमेंट। व्हाट इज इंगेजमेंट, इंगेजमेंट क्या है, इंगेजमेंट ये है कि अगर मैं आपके ऐप को डाउनलोड करता हूँ तो आपके ऐप को मैं अपने मोबाइल फोन में रखे रहूँ, इसको बोलते हैं इंगेजमेंट, ठीक है। और फेसबुक में इंगेजमेंट अलग होता है, ठीक है, जब लोग आपके पिक पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट। लेकिन ऐप अर्निंग में, ऐप बिजनेस मॉडल में इंगेजमेंट किसको बोलते हैं, जब मैं आपका, मान लो कोई भी ऐप है, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखा हूँ, तो डैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट। अब जैसे इंस्टाग्राम का ऐप है, वो मैं अपने मोबाइल में रखा हुआ हूँ, तो वो क्या है, इंगेजमेंट। तो आपको दो चीज़ें चाहिए रहती हैं, पहला ट्रैफिक, दूसरा इंगेजमेंट। ट्रैफिक का क्या फॉर्मूला है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया आपको, जब मैंने बिजनेस मॉडल बताया आपका, तो आप वहां से देख सकते हो। इंगेजमेंट का भी मैंने बता दिया है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो आपके फ्रेमवर्क में आनी चाहिए, यही चीज़ कि आपको ऐप की अर्निंग के लिए कौन सी चीज़ें बेसिक चाहिए, ट्रैफिक और इंगेजमेंट। तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये है गाइज कि आपको कौन से ऐप बनाने चाहिए, कौन से ऐप नहीं बनाने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा
प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करने होंगे एप्स। ऐप जब आप पूरे सर्च करेंगे तो सामने होम पे ही काफी सारी चीजें आ जाती हैं, और जब आप पर्टिकुलर ऐप सर्च करेंगे तो पर्टिकुलर ऐप आपको शो किया जाएगा, लेकिन आपको हर ऐप देखना है, ठीक है। तो ज्यादातर वो ऐप्स फेल होती हैं जो फालतू की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हैं, जो शायरी वाली रहती हैं, जो फालतू लोग बना देते हैं कि इसमें मैं ये उठा रहा हूँ तो मेरी बॉडी बन गई, मैं ये खा रहा हूँ तो बॉडी कर, तो ये जो है ये बिल्कुल बकवास ऐप रहती है, और ये ऐप से आप पैसा अर्निंग नहीं कर सकते। बहुत सारे मैंने ऐप के वीडियोस देखे थे पहले जब मैं ऐप पे काम करता था, तो लोग सिखाते थे कि यार ये ऐप बना लो, इसमें ऐड लगा लो, और इसमें कुछ भी लिख दो, टिप्स और ट्रिक्स लिख दो, और आपका ऐप चलने लगेगा। नो गाइज, दिस इज नॉट अ बिजनेस मॉडल, दिस इज द चूतिया मॉडल जो हम दूसरों को चूतिया बनाते हैं। गाइज बी लॉयल, मैं मतलब जो चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं वही बोलता हूँ, हम दूसरों को चूतिया बनाते हैं उन सब ऐप बना के, ठीक है। और उससे हमारी कोई बहुत बड़ी अर्निंग भी नहीं होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। बेसिकली हम शायरी की ऐप बना देते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। थर्ड पार्टी का यूज़ करके ऐप बना देते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। लोग डाउनलोड भी नहीं करते, इवन लोग डाउनलोड तब करेंगे जब आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो ऐप भी ओरिजिनल बनाओ, और ऐसे ऐप्स मत बनाओ जो सिर्फ आपके फायदे के लिए हों। जब तक आप अपने सामने वाली पार्टी को फायदा नहीं दोगे तो वो आपको भी फायदा नहीं देगी। अगर दे भी दी तो वो चिंदी फायदा होगा, और चिंदी फायदा करने के लिए हम यहाँ आए नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो गोल है वो क्लियर रखो। अगर ऐप बिजनेस में घुस रहे हो तो पूरी तरह घुसो, एक तरह सेट करके उसको साइड करो, फिर दूसरी चीज में जाओ, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं। मैंने फेलियर की चीज़ें इसलिए बताएं कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फेलियर जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सक्सेस को जानते हैं लेकिन हम फेलियर को नहीं जानते, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो ऐप्स हैं वो फेल हो जाती हैं। ये सायरी वायरी की ऐप नहीं चलती, ये टिप्स और ट्रिक्स की ऐप नहीं चलती। अब मैं बॉडी बना रहा हूँ, मैं उसके लिए एक ऐप बना दिया कि ये ऐसे कर रहा था, ऐसे लाखों ऐप पड़े हैं। हमको ब्लू ओशियन में काम करना है। व्हाट इज द ब्लू ओशियन? ब्लू ओशियन वो जहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन हो ही ना, आप वहाँ के राजा हो। क्यों हम फाइट करें जाके जब हमारे पास ब्लू ओशियन है? तो स्टार्ट यूर ब्लू ओशियन, यही चीज़ मैंने बताई थी अपने लास्ट वीडियो में कि ब्लू ओशियन क्या चीज़ है, लेकिन मैंने वहाँ नाम नहीं लिया था पर्टिकुलर कि ब्लू ओशियन है ये। तो वहाँ मैंने वही बिजनेस मॉडल बताया कि आपको एंगेजमेंट भी मिल जाए, ट्रैफिक में मिल जाए, और तीसरा ब्लू ओशियन में भी गेम प्ले करो कि सामने वाले को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। तो ये दो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, जो थर्ड चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, जो मैंने डीपी थंबनेल में भी लिखा था, फोर फॉर्मूला, ठीक है। फोर फॉर्मूला यानी फोर टाइप ऑफ ऐप जो गूगल प्ले में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला ऐप, उससे पहले मैं बोल दूँगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी ऐप्स गलत होती हैं, नहीं तो लोग गुस्सा होने लगेंगे। सारी ऐप गलत होती है ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि ऐप बिजनेस मॉडल, आप हर ऐप से अर्निंग करो, जो साइड आती है उससे अर्निंग करो, जो पैसा देता है वो हमारे लिए ठीक। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जो भी चीज़ आती है ना, अर्निंग करो, पैसे लपेटो और अपने जेब में डालो, क्योंकि उन्हीं पैसे से हमको अपना बिजनेस बिल्ड करना है, तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ आप सीधा बात करते हैं अपने फोर ऐप्स पे, किस तरह की चार ऐप आपको गूगल प्ले में मिलती हैं और आपको कौन सी ऐप बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली है। सो फर्स्ट जो ऐप है वो ऐप है गेमिंग ऐप। व्हाट इज गेमिंग ऐप? गेमिंग ऐप मुझे लगता नहीं ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। गेमिंग ऐप बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग ऐप है, ठीक है। अगर आपका गेम चलता है, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है पबजी, ठीक है, चल गया गेमिंग ऐप। तो आपको क्या लगता है कि पबजी सिर्फ अपने गेम से अर्निंग कर रहा है? नहीं, वो आपके डाटा को अपने जो उनका ऐप है उससे ले रहा है, ठीक है, अपने में कंज्यूम कर रहा है, आपका पूरा डाटा ले जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप उसमें मस्त हो, लोग पबजी में मस्त हैं, बहुत सारी चीज़ों से पबजी अर्निंग कर रहा है। ये सिर्फ मैं एक गेम का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे लाखों गेम हैं जो चूसते हैं आपके मोबाइल को लेकिन आपको पता नहीं चलता। मैं जो फैक्ट है वो बोलूँगा, लेकिन शायद हो सकता है कई लोग ऑफेंस हो जाएं, लेकिन गाइस फैक्ट है, मैं फैक्ट बताने आया हूँ तो फैक्ट यही है, ठीक है। तो फर्स्ट गेमिंग ऐप जो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होता है और जिससे बहुत ही ज़्यादा अर्निंग होती है, ये जो ऐप है इसको अगर आप बनाने जाओगे तो बहुत पैसे, तो ये हमारे लिस्ट में नहीं है। तो फर्स्ट इज कट। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड जो ऐप है गाइस वो होता है हाउ टू ऐप एंड सर्विस ऐप। इसमें आप एडिटर होते हैं जितने, ठीक है, कैनवा हो गया, फिल्मोरा हो गया, ठीक है, फिल्मोरा का मोबाइल ऐप नहीं होता, सॉरी, इन शॉर्ट हो गया, क्विक हो गया, मतलब जितने भी मोबाइल ऐप हैं जो आपको सर्विस देते हैं, पिकार्ट हो गया, ये जो होता है ये हाउ टू ऐप होते हैं। हाउ टू ऐप्स भी बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं, लेकिन इनको भी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, तो इनको भी हम अपने लिस्ट से कट करते हैं।
थर्ड जो गाइस ऐप होते हैं वो होते हैं टिप्स एंड ट्रिक ऐप, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सबसे वर्स्ट ऐप होते हैं और यही लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बेसिकली गाइस यही मैं बोलना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी फेलियर की निशानी है ऐप अर्निंग में। जब आप अपना ऐप बनाने जाते हो और चाहते हो कि आप इससे मोटा मोटा पैसा निकाल सको, तो ये ऐप कभी भी लाइफ में, जीवन में बिल्कुल मत ट्राई करना, प्लीज़ मत ट्राई करना, क्योंकि ये एक टाइम वेस्ट है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। जबकि ऐप का बिजनेस ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा एफर्ट, मनी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। अब जो फोर्थ ऐप है दैट इज़ कॉल्ड सोशल ऐप, व्हाट इज दैट इज़ कॉल्ड सोशल ऐप, ठीक है। सोशल ऐप जो है वो जो ऐप है लोग उससे पैसे अर्न नहीं करते, पैसे छीनते बटोरते हैं, तो ये भी जो है वो भी हमारी कैटेगरी में नहीं है। और जो कैटेगरी में है हमारे वो है हाउ टू और गेमिंग, ठीक है, मतलब सर्विस प्लस गेमिंग, दो चीज़ों का कॉम्बाइंड ऐप बोलोगे जो हम काम करने वाले हैं, जिसपे जिस चीज़ की नॉलेज मैंने आपको इस वीडियो के पहले दी थी। अब थोड़ा मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उसको जाके समझ सको कि मैंने क्या बताया था पहले में और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने चार तरह की ऐप बताई, गेमिंग, हाउ टू ऐप, टिप्स एंड ट्रिक ऐप एंड फोर्थ सोशल ऐप, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऐप है, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, वो गेमिंग और प्लस सर्विस, मतलब दो ऐप को मिला के एक ऐप बना रहे हैं हम, गेमिंग प्लस सर्विस, जो मोस्ट इंगेजिंग ऐप हो सकता है। क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि ये जो ऐप्स हैं, गेमिंग, हाउ टू या सोशल, ये चारों ऐप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें करना है ऐसा काम कि हमारा काम भी हो जाए, इंगेजमेंट भी आ जाए, लोग हमारे ऐप्स को पसंद भी करें। तो वो जो चीज़ है गाइज वो काम करेगी गेमिंग प्लस सर्विस ऐप से। गेमिंग प्लस सर्विस ऐप, जैसे कि मैंने बताया आपको, स्क्रैच करो तो दैट इज़ कॉल्ड गेम, ठीक है। लोग क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पैसा भी मिल रहा है, वहाँ उनका एडवांटेज, देखो लोग क्यों आएंगे आपके ऐप में, जब उनको एडवांटेज मिलेगा तब तो वहाँ एक एडवांटेज मिल रहा है और एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, हाँ जब मैं इसको स्क्रैच करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो एक खेलने का एक उत्सुकता जनरेट हो रही है, ठीक है, मोटिवेशन जनरेट हो रहा है, सॉरी मोटिवेशन नहीं बोलेंगे, क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो लोग आपको स्क्रैच करेंगे आपके ऐप में जाके और उससे पैसा मिलेगा। अभी ये स्क्रैच का जो मैं समझा रहा हूँ लोगों को समझ नहीं आएगा, सो प्लीज़ गाइज पिछली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो सही से समझ में आएगा। तो स्क्रैच जब करेंगे वो तो उसमें से पैसा मिलेगा। तो यहाँ क्या क्या मिल रहा है आपको? एडवांटेज तो उनको मिल ही रहा है, उनको मज़ा आ रहा है गेमिंग का, तो इंगेजमेंट बढ़ रहा है। दूसरा आप सर्विस दे रहे हो कि उनको, आप जितने भी डील्स आ रहे हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जो भी आ रहे हैं, आप उनको उस ऐप में दे रहे हो और उस ऐप में देने से वो सर्विस वो तो खरीद ही रहे हैं, उनका फ़ायदा हो ही रहा है, वो अपनी मनी को सेव कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी उनके परचेस से, उनके शॉपिंग से पैसे बना रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग, दैट इज़ कॉल्ड सेल, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। तो ऐसे करते हैं ऐप का बिजनेस, ऐसे चीज़ों को समझते हैं, फ्रेमवर्क करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ काम करती हैं। गाइस थोड़ा सा माइंड लगा के काम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्लो अप हो गया, ठीक है। लेकिन गाइस मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो में लोग बस ऐसे ही बता रहे हैं कि ये ऐप बनाओ, ये ऐप बनाओ, इसमें ये फोटो लगा दो, ये पिक्चर लगा दो, लोग डाउनलोड करेंगे। नहीं, दैट इज टाइम वेस्ट। वो कितने लोग डाउनलोड करेंगे मान लो, चलो गिरे। पहले तो आप कोई यूट्यूबर आपको प्रमोट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो ऐप में कुछ दिख ही नहीं रहा है, देयर इज नथिंग इंटरेस्टेड, ठीक है। और प्लस वो थर्ड पार्टी ऐप है, आप प्ले स्टोर में भी नहीं करते होगे उसको, ठीक है, आप उसको गूगल क्रोम से जाके डाउनलोड करवाते होगे, तो पहले ही लोग बोलते हैं कि नहीं ये सेफ नहीं है, क्योंकि लोगों की माइंडसेट है कि जो गूगल प्ले में जो ऐप है वो सेफ है, ठीक है। तो मैंने जो आपको बिजनेस मॉडल बताया, इसमें लोगों का भी भला, आपका भी भला, इंगेजमेंट भी आ रहा है, और जो आपका ऐप है अगर आप उसका सही से प्रमोशन कराते हो तो यू आर गोइंग टू नेलिंग, छा जाओगे मार्केट में। और कितना इजी मैंने मॉडल बताया, आप पीछे जाकर उसको देखना, फिर आके आप इसको देखना जो मैंने अभी आपको वीडियो दी है, मतलब जो हम वीडियो में बात कर रहे हैं, इसको देखना, फिर फ्रेमवर्क तैयार करना और फिर काम करना स्टार्ट करना।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और प्लीज गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, फेसबुक पे जाओ और व्हाट्सएप पे जाओ, शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।